जी डी पी जी टी मैथमेटिक्स एंड एल्टीग्रेड टीचर मैथमेटिक्स के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा या उच्चिस तथा निम्निस का वीडियो नंबर है थर्ड। ठीक, इस पर कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और जैसे क्वेश्चन से हमारा आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ई पर एक्स स्क्वायर लॉग वन अपॉन ई उच्चिष्ट है, ये हमको शो करना है। यानी कि इस पर इसकी जो वैल्यूज़ है वो मैक्सिमा होगी। इसको फंक्शन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर लॉग वन अपॉन ई, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लॉग वन अपॉन ई। लॉग वन अपॉन ई तो शायद कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी हो रहा है एक्स के टर्म में, तो एक्स स्क्वायर का ही हो जाएगा। लॉग वन अपॉन एक्स है, वन अपॉन ई नहीं है, वन अपॉन एक्स है। ठीक है, नहीं तो कॉन्स्टेंट हो गया था। प्लस लॉग वन अपॉन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लॉग का हो जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स प्लस का लॉग वन अपॉन एक्स एंड एक्स स्क्वायर का होगा टू एक्स। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एंड इसका हो जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, प्लस का टू एक्स लॉग वन अपॉन एक्स, माइनस का एक्स प्लस का टू एक्स लॉग वन अपॉन एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर टू, उच्चिष्ट तथा निम्निस मान के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो माइनस एक्स प्लस का टू एक्स लॉग वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे, या तो एक्स जीरो आएगा एक्स इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन प्लस का टू लॉग वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, ए क्वान्टिटीज ये बच जाएगी। ठीक है, एंड इसमें बनेगा टू लॉग वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन एंड लॉग वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू। ठीक है, लॉग वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू, तो यहाँ से हम एक एक्स का वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं। यहाँ को लिख सकते हैं लॉग ई। ठीक है, तो वन बाई टू इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे बेस ई होगा, कुछ नहीं दिया है, तो इन लॉग वन अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई की पावर वन बाई टू, यानी कि वन बाई एक्स इक्वल टू ई की पावर वन बाई टू रूट ई एंड एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट ई। एक्स की ये वैल्यूज आ गया है और ए का गया जीरो, एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट ई। ठीक है, वो जो वैल्यूज था तो उस पर ये उच्चिष्ट शो करना है। अब हमको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन में एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई रखेंगे, वन अपॉन अंडर रूट ई, और वो वैल्यूज जो है माइनस आनी चाहिए, यानी निगेटिव आनी चाहिए। देखिएगा, इसका करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स का माइनस वन हो गया। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस का सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो यह हो गया माइनस का वन प्लस का टू एक्स लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स प्लस का लॉग वन अपॉन एक्स, एक्स का हो जाएगा वन। ये ऊपर पहुँचेगा माइनस का वन प्लस का टू एक्स स्क्वायर एंड माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन अपॉन, इससे कैंसिल होगा, प्लस का लॉग वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ चुका है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, टू का अंदर मल्टीप्लाइंग कर दो माइनस टू प्लस टू लॉग वन अपॉन एक्स, ये हो गया माइनस का थ्री प्लस का टू लॉग वन अपॉन एक्स। एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ई लेना है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ई पे माइनस का थ्री प्लस का टू लॉग वन अपॉन रूट ई, ये ऊपर ले जाएंगे माइनस का थ्री प्लस का टू लॉग अंडर रूट ई, टू लॉग अंडर रूट ई, तो माइनस का थ्री प्लस टू लॉग ई की पावर वन बाई टू, यानी कि वन बाई टू बाहर आ जाएगा, लॉग ई की वैल्यू से होगा वन होगा। तो देखना है कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो उस पर जो है उच्चिष्ट हो जाएगा टू इंटू वन बाई टू लॉग ई, लॉग ई होता है वन, यानी कि माइनस थ्री प्लस का वन इंटू वन माइनस का टू हो गया, निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव पर हो जाएगा मैक्सिमा। मैक्सिमा यानी कि उच्चिष्ट, यानी कि एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट ई पर फंक्शन एक्स स्क्वायर लॉग वन अपॉन एक्स उच्चिष्ट है, यही हमको इस क्वेश्चन में शो करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि बाई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स का निम्निष्ट मान ए प्लस बी का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसकी निम्निष्ट वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन कॉस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वी स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन साइन हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर एक्स। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स को लिखें टू सेक एक्स को लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस का वी स्क्वायर टू कॉस सेक एक्स होगा माइनस का कॉस सेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स माइनस का टू बी स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इतना आ गया क्वेश्चन नंबर टू। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स माइनस का टू बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक साइड में सेपरेटिंग कर लेंगे टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स इक्वल टू टू बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स। टू से टू कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स को लिखें वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स बाई कोस एक्स साइन एक्स बाई कोस एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोट एक्स होगा कोस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, ये इधर चले जाएंगे साइन क्यूब हो जाएगा, ये वहाँ जाके कोस क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर साइन क्यूब एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर कोस क्यूब एक्स। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एंड यहाँ पे बन जाएगा टेन क्यूब एक्स टेन क्यूब एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए का स्क्वायर यानी कि टेन एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर टू बाई थ्री। ठीक है, टेन एक्स की ये क्वांटिटीज आ चुकी हैं टेन एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर टू बाई थ्री, तो इससे हम लिख सकते हैं बी की पावर टू बाई थ्री अपॉन ए की पावर टू बाई थ्री टेन एक्स बन गया। बाकी और क्वांटिटीज इससे निकाली जा सकती हैं, यहाँ पर फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको दिखाना है कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है, निम्निष्ट मान निकालना है तो निम्निष्ट ही होगा यानी कि वैल्यूज मैक्सिमम आएगी प्लस में आएगी। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स का टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक तो ये टर्म हो गया टू वी स्क्वायर ऐसे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स का होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का कोट एक्स कोसेक स्क्वायर का टू कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, अब देखिएगा ये तो सब प्लस थे, यहाँ पे अंदर माइनस आ गया माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे। तो टू ए स्क्वायर सेक की पावर फोर एक्स प्लस का टू सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू बी स्क्वायर यहाँ हो गया कोसेक कोसेक की पावर फोर एक्स कोसेक की पावर फोर एक्स माइनस 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 प्लस हो चुका है माइनस बाहर कॉमन निकाल चुके हैं टू कोसेक स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, सब पॉजिटिव हैं। अगर हमारे पास टेन एक्स की पावर टेन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है बी की पावर टू बाई थ्री अपॉन ए की पावर टू बाई थ्री, तो इससे अगर वैल्यूज निकालेंगे सेक एक्स टेन एक्स ये सब तो सब पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, वैल्यू अगर रख भी देंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, तो इससे हमको शो हो रहा है कि निम्निष्ट है। पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, मिनिमा यानी निम्निष्ट है, निम्निष्ट है तो निम्निष्ट वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो निम्निष्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए ये क्वांटिटीज़ यहाँ पे रखना पड़ेगा। टेन एक्स आ चुका है, देखिएगा अगर ये x है टेन एक्स इक्वल टू होगा ये b की पावर टू बाई थ्री अपॉन ए की पावर टू बाई थ्री, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट
ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। तो इससे हमको साइन एक्स चाहिए है, साइन एक्स होगा बी की पावर 2/3 अपॉन अंडर रूट ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। एंड कोस एक्स इक्वल टू होगा ए की पावर 2/3 अपॉन अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2। साइन एक्स कोस एक्स निकालना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, कोस की जो वैल्यूज है कोस स्क्वायर करेंगे तो नीचे हो जाएगा ए की पावर 4/3, ए की पावर 4/3 अपॉन ये रूट हट जाएगा ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन साइन में लेंगे ऐसे बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये होगा ए स्क्वायर बाई ए की पावर 4/3 एंड ए की पावर 2/3 प्लस का बी की पावर 2/3 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी की पावर 4/3 हो जाएगा स्क्वायरिंग होने पर, बी की पावर 4/3 ए की पावर 2/3 प्लस का बी की पावर 2/3, ठीक है। तो वाई की ये मिनिमा वैल्यू है, वाई मिनिमा क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे वरना ए की पावर 2 माइनस का 4/3 एंड ए की पावर 2/3 प्लस का बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2 माइनस का 4/3 एंड ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। ये क्वांटिटीज कॉमन ले लेंगे, ए की पावर 2/3 प्लस का बी की पावर 2/3 कॉमन लिया तो ए की पावर 6 माइनस का 4 और 6 माइनस का 4 यानी कि 2/3 और यहाँ पे भी ये बचेगा बी की पावर 2/3, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज बच रहा है ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू इतना होगा। तो इसको अगर सोल्विंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग इसका और कर देते हैं, यानी कि दो टर्म आ चुके हैं तो और थोड़ा बहुत कुछ ये चेंज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इतना तो क्वांटिटीज आ चुका है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि उच्चस और निम्न वैल्यू फाइंड करना है। फंक्शन दिया है वाई इक्वल टू एक्स प्लस का साइन 2x, जहाँ पे x लाई कर रहा है 0 to 2π के बीच, उच्चस और निम्न मान ज्ञात करना है इसका। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वैल्यू मान लेते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये होगा dy/dx इक्वल टू एक्स का 1 प्लस साइन 2x का 2 साइन एक्स, नहीं नहीं साइन 2x का हो जाएगा कोस 2x, कोस 2x इंटू 2x का हो जाएगा 2, यानी 1 प्लस का 2 कोस 2x dy/dx। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज के लिए dy/dx इक्वल टू 0, 1 प्लस का 2 कोस 2x इक्वल टू 0, यानी कि 2 कोस 2x इक्वल टू -1, टेन कोस 2x इक्वल टू -1/2। यहाँ पे कोस 120 का वैल्यू हुआ होता है, कोस 2x इक्वल टू -1/2, यानी कि 2x इक्वल टू 120, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 60 एंगल, ठीक है। उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करो, जो भी इसमें हमको फाइंड हो जाए वो क्वांटिटीज हमको निकालना है, है ना। उच्चिष्ट वैल्यू मिल जाए या निम्निष्ट वैल्यू मिल जाए, तो एक क्वांटिटीज तो 2x इक्वल टू 1 -1/2 2π/3 पे होता है, यानी कि 120 पे होता है। ऐसी अगली वैल्यू 4π/3 पे होता है, यानी कि 240 पे भी यही वैल्यूज होता है, cos 240 पर। जो इसकी वैल्यूज है -1/2, कोस 120 पे भी होता है, कोस 240 पे भी होता है, तो 2x के दो मान आ गए 120 एंड 240, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 60 एंड 120, एक 60 आ जाएगी एक 120 आ जाएगा। तो इन पे इसकी वैल्यूज चेक करनी है, किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है, और यह वाली वैल्यूज फंक्शन में रखनी होंगी।
तो x इक्वल टू 60 एंड 120, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 प्लस का 2 कोस टू एक्स का हो जाएगा साइन 2x इंटू 2, यानी कि माइनस का 4 साइन 2x। तो पहला वाला वैल्यू से पुट करते हैं x इक्वल टू 60, तो होगा माइनस का 4 साइन 2 इंटू 60 यानी कि साइन 120, साइन 120 हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2 यानी कि माइनस का 2 रूट 3। ये होगा नेगेटिव, नेगेटिव पे जो क्वांटिटीज है इसका मैक्सिमा होगा, ठीक है, मैक्सिमा यानी कि उच्चिष्ट होगा। तो x इक्वल टू 60 पर आया है मैक्सिमा, x इक्वल टू 60 पर मैक्सिमा आया है, 120 पे लेना है डबल में, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 120 पर रखते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन 2 इंटू 120 यानी कि माइनस का 4 साइन 240, तो 240 हो जाएगा हमारा माइनस का 4 साइन 240 180 प्लस का 60। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 साइन 60 यानी कि 4 अंडर 3 बाई 2 यानी कि 2 अंडर 3। ये आ जाएगा मैक्सिमा, पॉजिटिव आ रहा, पॉजिटिव पे मिनिमा होगा, तो x इक्वल टू 120 पर वैल्यू हुआ मिनिमा। ये वैल्यूज फाइंड करना है तो इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी फंक्शन में पुट करना पड़ेगा, तो जिससे हमको मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज मिल जाएगा। तो एक बार तो रखेंगे 60 और एक बार रखेंगे 120। तो 60 पर मैक्सिमा है y मैक्सिमा इक्वल टू x इक्वल टू 60 यानी कि पाई बाई 3 प्लस का साइन 2 इंटू पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 प्लस का साइन 120 है, 120 यानी कि साइन 120 का 90 प्लस का 30, साइन 90 प्लस थीटा माइनस का 90 प्लस थीटा कोस थीटा होगा, कोस 30 होगा, कोस 30 होता है अंडर रूट 3 बाई 2। ये हो जाएगा बाई मैक्सिमा, एंड बाई मिनिमा लेना है, मिनिमा आया था 120 पर, तो 120 यानी कि 2 पाई बाई 3 प्लस का साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3, यहाँ 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, ये होगा 2 पाई बाई 3 प्लस का साइन 4 पाई बाई 3 यानी कि 240, 240 को लिखेंगे साइन 180 प्लस 60, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होगा माइनस का साइन 60 हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 इंटू माइनस का अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है। ये मिनिमा वैल्यू हो जाएगा और ये मैक्सिमा वैल्यूज निकल आएगा। एक क्वेश्चन इसमें और लगा देते हैं, क्वेश्चन से हमारा एफ बाई इक्वल टू लोग एक्स अपॉन एक्स, ये फंक्शन दिया है, लोग एक्स अपॉन एक्स का उच्चतम मान ज्ञात करो जहां एक्स लाई कर रहा है 0 टू इनफाइनाइट के बीच, एक्स जो है 0 एंड इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे इसकी वैल्यूज उच्चतम वैल्यू यानी कि मैक्सिमा वैल्यूज हमको फाइंड करना है। फंक्शन दिया हुआ है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कर लो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई मान लें, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस का सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इस तरह से इसको दो फंक्शन में चेंज कर लिया, लॉग एक्स का होता है 1/x प्लस का लॉग एक्स एंड इसका हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये होगा 1/x स्क्वायर 1 माइनस का लॉग एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वेशन नंबर 2। 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज के लिए, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा क्वांटिटीज के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा 0, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को 0 रख देंगे, तो यहाँ से कुछ वैल्यूज निकल आएगा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा क्वांटिटीज के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 1/x स्क्वायर 1 माइनस का लॉग एक्स इक्वल टू 0, ये 0 में चला गया 1 माइनस का लॉग एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 1 इक्वल टू लॉग एक्स, देन लॉग ई इक्वल टू 1 होता है लॉग एक्स, देन एक्स इक्वल टू आएगा ई, एक्स की वैल्यू ई आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ई पर ये मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो डबल डिफरेंशिएशन इसका कर लेते हैं,
एक्स इक्वल टू ई हमको मिल चुका है, एक्स इक्वल टू ई एक वैल्यू इसमें निकल पाएगी, 25 मान दे रहा केवल, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटीज़ ही गिवन हो पाएगी। इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जैसे ये फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x प्लस का 1 माइनस का लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस 2, यहाँ का माइनस का 1/x³ प्लस का 1 माइनस का लॉग एक्स इंटू माइनस का 2 एक्स की पावर माइनस का 3, माइनस का 1/x³ माइनस का 2 1 माइनस का लॉग एक्स अपॉन x³, यहाँ का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम x की वैल्यूज पुट कर देंगे, x इक्वल टू e रख देंगे, x इक्वल टू e रखने पर चेक करेंगे कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो इसमें x इक्वल टू e पुट किया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/e³, 2 1 माइनस का लॉग ई, लॉग ई होता है 1 अपॉन e की पावर 3, माइनस का 1/e³ माइनस का 2 1 माइनस का लॉग ई हो जाएगा 1/e³, 1 माइनस का 1 0, माइनस का 1/e³ माइनस 2 इंटू 0/e³, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/e³ हुआ निगेटिव, ठीक है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आ चुका है, यानी कि x इक्वल टू e पर फलन का मान उच्चिष्ट यानी कि मैक्सिमा होगा, ठीक है, उच्चिष्ट या मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, बाई मैक्सिमा इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई, एक्स इक्वल टू ई रखेंगे अपॉन ई, तो लॉग ई की वैल्यू 1 होता है 1/e, तो इसकी मैक्सिमा वैल्यू यानी कि उच्चिष्ट मान जो होगा बाई मैक्सिमा इक्वल टू हो जाएगा 1/e। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपी टीजीटी में आ चुका है, 2010 में शायद आया था, यहाँ से एक नया क्वेश्चन तो आता ही है, के लिए एक्स इक्वल टू कोस एक्स के लिए, एक्स इक्वल टू कोस एक्स के लिए एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स टेन एक्स उच्चिष्ट है, ठीक है, ये हमको शो करना है इसकी वैल्यू उच्चिष्ट यानी कि मैक्सिमा होगी। हाँ, तो जो फंक्शन है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स है, ठीक है, तो फंक्शन को हमने वाई लेट किया एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स टेन एक्स, ये अपॉन में बड़ा फंक्शन चला तो डिफ्रेंशिएशन वगैरह में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इसको उल्टा मान लेते हैं, इसको जेड इक्वल टू 1/y मान लिया, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस का एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स, यानी कि 1/x प्लस का टेन एक्स, इक्वेशन नंबर 2 का रहेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स, 1/x का माइनस का 1/x² टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फोर उच्चिस तथा निम्नलिखित मान के लिए डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस का 1/x² प्लस का सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 यानी कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/x² देन कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा कोस एक्स एंड एक्स इक्वल टू माइनस का कोस एक्स, दो क्वांटिटीज इसमें आ जाएंगी, एक्स इक्वल टू कोस एक्स एंड एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स। क्वेश्चन जो कहा है एक्स इक्वल टू कोस एक्स पर के लिए ये उच्चिष्ट है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स, तो हमने जो जेड माना है, अब तो हमारा फंक्शन जेड में चल रहा है, वो निम्निष्ट आना चाहिए, तभी बाई वाला जो फंक्शन है उच्चिष्ट होगा। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स का, एक्स इक्वल टू कोस एक्स आ चुका है, वो वैल्यूज हम जे चेक कर चुके हैं, ये हमारी वैल्यूज आ रही है, इसका डबल करेंगे डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एक्स की पावर माइनस 2 का करेंगे माइनस 2 एक्स की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/x³ प्लस का 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स इक्वल टू कोस एक्स है, एक्स की वैल्यू कोस एक्स रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/cos³x प्लस का 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, यानी कि ये क्वांटिटीज पॉजिटिव आ चुकी है, एक्स इक्वल टू कोस एक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पॉजिटिव क्वांटिटीज है, तो इसका मतलब यहाँ से शो हो रहा है कि जेड जो है पॉजिटिव है, तो मिनिमा होगा, मिनिमा क्या होगा, जेड मिनिमा हुआ, ठीक है, यहाँ से ये हमको क्लियर हो गया है कि जेड हमारा मिनिमा आ चुका है। जब जेड मिनिमा आ गया है तो एक्स की क्वांटिटीज चेक करते हैं, वो वाई की, कि वाई क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू कोस एक्स पर, जेड क्या है, मिनिमा है,
तो x इक्वल टू कोस 6 पर y z का उल्टा है, y मैक्सिमा होगा। तो यही तो बताना था कि इस पर मैक्सिमा है, वैल्यूज़ नहीं फाइंड करना था, ठीक है। ये इसका मैक्सिमा हो गया, यानी कि उच्चिष्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। सिद्ध करना 1/x का उच्चिष्ट मान, बहुत आता है, उच्चिष्ट मान e की पावर 1/e है, ठीक है। 1/x की पावर x का जो मैक्सिमम क्वांटिटीज है, मैक्सिमम वैल्यूज e की पावर 1/e है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको फंक्शन मान लेंगे 1/x की पावर x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो फंक्शन हुआ वो हमारा फंक्शन है 1/x की पावर x। अब क्या करना है, इससे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, x की क्वांटिटीज निकालेंगे, है ना, ये सारी वैल्यूज हमको चेक करना है। इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग y इक्वल टू हो जाएगा लॉग 1/x की पावर x, यानी कि x लॉग 1/x, ये होगा लॉग y। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, लॉग y का 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू x डी अपॉन डी एक्स लॉग 1/x प्लस का लॉग 1/x इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू x। तो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू x, लॉग x का हो जाएगा 1/x 1/1/x इंटू डी अपॉन डी एक्स 1/x प्लस का लॉग 1/x एंड इसका हो जाएगा 1। ये ऊपर पहुंचा तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस का लॉग 1/x कैंसिल हुआ, माइनस का 1 प्लस का लॉग 1/x 1/y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का लॉग 1/x। देन यहाँ से जो क्वान्टिटीज निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स निकल आएगा, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा वाई माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का लॉग 1/x, ठीक है। ये क्वांटिटीज आ चुका है, इक्वेशन शायद इसको 3 माना जाएगा, 2 मान चुके हैं। अब इसका लेना होगा डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, नहीं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्वांटिटीज के लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज़ के लिए। उचित तथा निम्न मान के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। यानी कि वाई नॉट इक्वल टू 0, वाई तो फंक्शन है, कुछ ना कुछ क्वांटिटीज रहा होगा। माइनस 1 प्लस का लॉग 1/x इक्वल टू 0, यानी कि लॉग 1/x इक्वल टू 1 एंड 1/x इक्वल टू हो जाएगा लॉग 1/x इक्वल टू होगा लॉग e, यानी कि 1/x इक्वल टू होगा e एंड x इक्वल टू 1/e, x की वैल्यू 1/e यहाँ पे आ रही है। हाँ, तो ये पहले तो क्वांटिटी पता होना चाहिए था, क्वांटिटीज़ क्या है, क्वांटिटीज़ हम जान चुके हैं, x इक्वल टू 1/e आ रहा। अब उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करने पर चेक किया जाएगा कि इनमें निगेटिव है तो उच्चिष्ट होगा, फिर उच्चिष्ट मान निकाला जाए। x इक्वल टू 1/e आ चुका है, x इक्वल टू हाया 1/e, हाँ इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी वाई इसका फर्स्ट फंक्शन, इसका सेकंड का डिफरेंशिएशन, लॉग 1/x का 1/1/x इंटू डी अपॉन डी एक्स 1/x प्लस माइनस का 1 प्लस लॉग x लॉग 1/x इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई। तो यहाँ जाएगा वाई इंटू ये x लॉग 1/x x इंटू डी अपॉन डी एक्स यानी माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का लॉग 1/x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की क्वान्टिटीज़ ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस का माइनस का 1 प्लस का लॉग 1/x इंटू ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का लॉग 1/x, ठीक है। माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस का वाई माइनस 1 प्लस का लॉग 1/x का हाल ऑफ स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल टू 1/e यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो चेक करने पर क्लियर हो जाएगा, निगेटिव आएगा कि क्या है, निगेटिव ही आएगा क्योंकि यहाँ से जो टर्म है निगेटिव आएगा, वो वाला टर्म शायद 0 हो जाए।
एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में पुट करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में वाई अपॉन वन अपॉन ई एंड वाई माइनस का वन प्लस का लोग एक्स की वैल्यू वन अपॉन ई पुट किया तो लोग ई हो जाएगा का लोग इक्वल टू वन होता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वाई प्लस का वाई माइनस वन प्लस का वन माइनस वन प्लस वन जीरो माइनस का वाई प्लस का जीरो, ये हो गया निगेटिव क्वान्टिटीज, निगेटिव हो गया तो एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई पर ये हो जाएगा निगेटिव टेन एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई पर मान उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा ठीक है ना। फलन के उच्चिष्ट मान के लिए यानी मैक्सिमा क्वांटिटीज के लिए x इक्वल टू वन पोनी फंक्शन में रखना पड़ेगा, x इक्वल टू वन पोनी यानी कि y मैक्सिमा इक्वल टू x की जगह रखेंगे वन पोन ई और ये हो जाएगा, ये ऊपर चलेगा e की पावर वन पोन ई आंसर हो गया। तो इसका उच्चिष्ट मान यही हमको लाना था, e की पावर वन पोन ई होगा।